पंच तत्व, सिर्फ पांच। अगर उन्हें इतना सारा खेल खेलना है, केवल एक या दो रूप नहीं, इन्होंने अरबों खरबों रूप लिए हैं। अगर ये सब होना है, अगर ये दूसरे गुणों या संभावनाओं को ग्रहण नहीं करें, तो आप इन पांचों से इतने सारे रूप नहीं रच सकते। ये स्वभाव से ही ग्रहणशील हैं। जिस हवा को आप सांस में लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, हम बाकी दोनों को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास उनका ज्यादा अनुभव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं सिर्फ विचार, भावना, नियत या ऊर्जा से। हम पानी का गुण बदल सकते हैं, हम हवा का और भोजन का गुण बदल सकते हैं सिर्फ अपने विचार, भावना या नियत से। तो आपके भीतर के ये पंच तत्व जिनसे ये शरीर बना है, इन पर गहरे प्रभाव हैं। और जानकारी की एक खास परत जिसे हम आम तौर पर कार्मिक पदार्थ कहते हैं, इकट्ठी हो जाती है। इसके बिना ये तत्व आपके भीतर एक खास तरीके से पेश नहीं आ सकते थे। ये एक सा होता। अगर अलग अलग जानकारियां इकट्ठी नहीं होती तो हर इंसान एक सा होता। देखिए, अगर आप एक केला खाती हैं तो आप एक महिला बन जाती हैं। केला महिला बन जाता है। इनमें से कोई खाता है तो वो पुरुष बन जाता है। अगर गाय खाती है तो वो गाय बन जाता है। वही केला, केले में इतनी समझ नहीं है कि वो खुद को पुरुष, स्त्री, गाय या कुछ और बना सके। आपके भीतर जानकारी का एक संग्रह है जो केले को एक औरत, मर्द, गाय या हाथी या किसी और रूप में बदल देती है। What you call as myself? आप जिसे मैं कहते हैं, वो सूचना या जानकारी का एक संग्रह है और मूल रूप से ये आपके साथ तत्वों के माध्यम से चिपकी हुई है, क्योंकि यहां तत्वों के सिवा और कुछ नहीं है। तो इनकी शुद्धि का मतलब है कि आप इन्हें साफ कर रहे हैं और इसे इकट्ठा की गई जानकारी या कार्मिक पदार्थ से मुक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा न किया तो आप एक मजबूत शख्सियत तो होंगे, पर कभी ये नहीं जान सकेंगे कि आप उन सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं जो आपने खुद के लिए बना रखी हैं। ये सीमा अस्तित्व ने नहीं बनाई, ये सीमा खुद आपने अपने लिए बनाई है। अगर आप उस सीमा से पार नहीं जा सकते जो आपने बनाई है, तो ये जीने का मूर्खतापूर्ण तरीका होगा। आप अनजाने में ही सीमा रच लेते हैं और कुछ समय के बाद दावा करने लगते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा। आप उन्हें किसी सीमा से पार जाने को कहें, नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं। आप ऐसे नहीं हैं, आपने खुद को ऐसा बना लिया है। यह सफाई तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप खुद को इन सीमाओं से पार ले जाकर आजादी या मुक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य चुन लेते हैं। अगर आप एक ठोस गेंद बनना चाहते हैं तो आपको सफाई की जरा भी जरूरत नहीं है। No need to cleanse at all. So, कार्मिक प्रक्रिया को ठोस में बदलने से आप कड़े बन जाएंगे। कड़ापन आपके जीवन में बहुत दुख लाएगा, बहुत दुख। आपको किसी आफत की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक आफत हैं। आपको किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं, इसे सेल्फ हेल्प कहते हैं। ज्यादातर लोग अपने दुखों के निर्माण के लिए सेल्फ हेल्प पर हैं। यू नो,
किसी को उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं होती। आखिरी बार किसी ने आपको कब छेड़ा था? ऐसा आखिरी बार कब हुआ? शायद स्कूल के दिनों में किसी ने ऐसा किया होगा। उसके बाद कोई भी वैसा कुछ करने में दिलचस्पी नहीं रखता। आप में से तकरीबन सभी लोगों को कभी किसी ने खंजर या तलवार नहीं घुसाई। ज्यादा से ज्यादा किसी ने सुई या उंगली से छेड़ा होगा। Nothing more. लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को पिछले 10, 15 या 25 सालों में किसी ने सुई या उंगली से भी नहीं छेड़ा, क्योंकि हर किसी को आपसे डर लगता है। तो कितना आप जितने दुख से होकर गुजरते हैं, अगर आप उसकी मात्रा देखें, गुस्सा, डर, नफरत, जलन, आप जिससे भी होकर गुजरते हैं, जो भी कष्ट झेलते हैं, बाहरी चीजों की वजह से कितना दुख हो रहा है और आपने खुद कितना दुख पैदा किया है, अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि बाहरी चीजों की वजह से पैदा दुख नाम मात्र भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी सास ने ऐसा कहा, मेरे बॉस ने ऐसा कहा, वो जो भी कह रहे हो, वो आपको चाकू तो नहीं घुसा रहे? कोई आपको शारीरिक कष्ट तो नहीं दे रहा ना, जब तक आप मिडल ईस्ट में ना हो? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बाकी सब आपका खुद का ही बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छाप इतनी गहरी है that you behave in... कि आप मजबूरन अपनी आदतों के अनुसार पेश आते हैं। हजारों बार वैसी ही परिस्थितियां आ चुकी हैं, लेकिन अगर फिर से वही होता है तो आप वही एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक स्तर की जागरूकता की जरूरत होगी, आपको एक हद तक झकझोरने की जरूरत होगी, तभी आप कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो भूत शुद्धि का मतलब है इस प्रक्रिया को बहुत ही बुनियादी स्तर पर करना। अगर हम सुबह के समय आपके मन को साफ करें तो दोपहर तक आपके मन में फिर से पूरी नई दुनिया बन जाएगी। यह तरीका काम का नहीं है। यही वजह है कि यौगिक प्रणाली में आपके मानसिक ढांचे को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि अगर हम आज इसे बदल भी देंगे तो आप कुछ समय बाद फिर से इसे बदल कर कुछ और बना देंगे। हम केवल शरीर में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए योग में हर चीज को शरीर कहा गया है, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर वगैरह, लेकिन मन नहीं, क्योंकि आपके भीतर मन का जो खेल चल रहा है, towards which you have given, जिसे आप इतनी अहमियत देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आपके भीतर जमा सूचना के आधार पर आपके जो भी कर्म हैं, आपका जो भी संस्कार है, आप उसके अनुसार ही सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपकी भावनाएं वैसी चलती हैं, सब कुछ उसके अनुसार ही होता है। तो हमारी दिलचस्पी जड़ पर काम करने में है। अगर आप पेड़ की छटाई करते हैं तो वो फिर से उग जाएगा, आपकी बार और भी तेजी से बढ़ेगा। तो छटाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जड़ काट देते हैं तो पेड़ मर जाएगा। So the very root... तो कार्मिक छाप की जड़ तत्वों में ही छिपी है, वो सबसे बुनियादी पहलू है। दूसरे पहलुओं की तुलना में इसे कहीं ज्यादा सावधानी से करना होता है। तो अक्सर चूंकि अधिकतर लोग अपना पूर्ण रूपांतरण नहीं चाहते, वो बस थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, वो खुद को खोना नहीं चाहते। भूत शुद्धि मतलब आप खुद को खोना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा, बुरा, सुंदर या बदसूरत, जो भी है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। आप वो सब खोना चाहते हैं जो आपने रचा है, ताकि ईश्वर का सृजन आपके भीतर खड़ा होकर चमक उठे। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना होगा। आपको बुनियादी भूत शुद्धि सिखाई गई है। अगर आप भूत शुद्धि को गंभीर तौर पर करना चाहें तो आपका पूरा जीवन बस यही बन जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे थोड़ा बहुत कर लें। तो अगर आप भूत शुद्धि का छोटा सा संस्करण भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाता है, और वापस पुराने ढर्रे पर जाने की प्रवृत्ति नहीं रहती, जो कि महत्वपूर्ण है। वरना सब कुछ 3 दिन के लिए बदलता है और फिर पुराना ढर्रा वापस आ जाता है। कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा।
अगर आप अपनी साधना में भूत शुद्धि को भी शामिल कर लेते हैं। पंचभूत आराधना, पंचभूत आराधना एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, वो एक अनुष्ठान है जो लोग साधना नहीं करना चाहते, बस ऐसे लोगों को थोड़ा लाभ पहुंचाने के लिए। अनुष्ठान की ये एक सुंदरता है, अनुष्ठान की यही सीमा भी है। कोई दूसरा आपके लिए अनुष्ठान कर सकता है, आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, बस बैठकर उसका लाभ लीजिए। पर यदि वो ऐसा नहीं करते तो आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। मान लेते हैं कि हम पंचभूत आराधना नहीं करते, तब आपको वो नहीं मिल सकता। तो अनुष्ठान में ऐसा ही होता है। इसकी सुंदरता यही है कि जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वो भी इसका लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग इसे करते हैं, अगर वो इसे ठीक से नहीं करते तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो अनुष्ठान करते ही नहीं तो वो फायदे आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद भूत शुद्धि का अभ्यास करते हैं और इसे बनाए रखते हैं, You will see, as time... तो समय के साथ आप देखेंगे कि इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी करे, भले ही अभ्यास छोटा सा ही क्यों ना हो, इसका प्रभाव कभी पलटता नहीं है। ये भूत शुद्धि का एक अहम पहलू है। अगर आप 6 महीने तक योगासन करते हैं और फिर पूरे साल कुछ नहीं करते तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। आपने 6 महीने तक प्राणायाम किया, अगर ये शक्ति चलन क्रिया की तरह ताकतवर है तो इसका असर दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे कुछ समय के लिए नहीं करते तो इसका असर जाने लगेगा। आप ध्यान करें, कुछ समय के लिए शून्य ध्यान करें, अगर आपने कुछ समय के लिए इसे नहीं किया तो इसका प्रभाव जाने लगेगा। लेकिन भूत शुद्धि की प्रकृति ऐसी नहीं है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत बुनियादी और धीमी है। पर चाहे जो भी हो, ये वापस नहीं जाएगा, ये आपके साथ रहेगा जब तक आपका शरीर रहेगा। ये साथ रहेगा, ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी स्तर पर है। यही भूत शुद्धि का महत्व।